नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां दहेज में बुलेट ना मिलने पर दूल्हे ने दुल्हन को शादी के एक महीने बाद 3 तलाक दे दिया। दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और मारा भी, जिसके चलते कई बार पीड़िता को थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जौनपुर की रहने वाली पीड़िता का निकाह सुल्तानपुर जिले के रहने वाले एक युवक के साथ हुआ था, जहां पीड़िता का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया। वहीं पति ने मारपीट के बाद उसे 3 तलाक दे दिया। फिलहाल पीड़िता महिला ने जौनपुर के नगर कोतवाली में अपने पति के साथ ससुराल वालों पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया है। दरअसल जौनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली फरीन बानो का तजाउद्दीन उर्फ नौशाद के साथ 28 अक्टूबर 2023 को निकाह हुआ था। आरोप है कि दहेज में बुलेट बाइक न मिलने से पति ने विवाहित को एक महीने के बाद 3 तलाक दे दिया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि शादी तय होने के बाद लड़के वालों ने शादी में दिए जाने वाले सामान का 5 लाख रुपए कैश ले लिया। निकाह के दिन लड़के के परिवार वाले दहेज में बुलेट की मांग करने लगे। बुलेट न मिलने पर बिना निकाह किए वापस लौट रहे थे। किसी तरह लोगों के समझाने पर निकाह हुआ, लेकिन लड़की के ससुराल पहुंचने के बाद पति और उसके परिवार वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। बुलेट की डिमांड पूरी न होने पर शौहर ने शादी के एक महीने बाद पीड़िता को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के बाद ससुराल वाले उसे बुलेट के लिए परेशान किया करते थे। आरोपी ससुराल से पहली बार विदा होकर मायके जाने के बाद बिना बुलेट की डिमांड पूरी हुए उसे वापस ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। आखिरकार पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ससुराल वालों को बुलाकर फटकार लगाई थी। तब जाकर ससुराल वाले पीड़िता की मायके से विदाई कराकर दोबारा अपने घर ले गए। ससुराल पहुंचने के बाद उसे बुलेट के लिए फिर से परेशान किया जाने लगा। ससुराल वालों पर दहेज के लिए पीड़िता से जुल्म करने के आरोप लगे हैं। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने दहेज में बुलेट न मिलने से एकमत होकर उसकी पिटाई करके उसे जान से मारने और जलाने की धमकी दी, साथ ही उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया। आरोपी और उसके परिवार पर IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखा आपने किस तरह दहेज के लालची आज भी बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। थाने पहुंचकर भी पीड़िता को सताया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार पर IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में देखना यह है कि आरोपियों को सबक मिलता है या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं, कैपिटल TV पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।